नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का BS ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप को लेके। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक नोटिस लगाया है जो कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी आजमगढ़ के द्वारा यह 17/4/23 अर्थात कल की डेट में जारी किया गया है। इसमें बताया गया है, आप लोग विषय के रूप में देख सकते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 10वीं छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु पुनः पोर्टल खोले जाने के संबंध में दिया गया है। इसमें बताया गया है, आप देख सकते हैं कि उपर्युक्त विषय निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या इतना दिनांक 15 अप्रैल 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 10वीं छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए पुनः पोर्टल खोले जाने हेतु समय सारणी निर्धारित की गई है। उक्त समय सारणी के अनुसार लंबित आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थान स्तर से अग्रसारण हेतु दिनांक 17/4/23 से दिनांक 19/4/2023 तक समय प्रदान किया गया है। उक्त के क्रम में जनपद के समस्त 10वीं शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि जारी समय सारणी के अनुसार निर्धारित समय अवधि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों के लंबित आवेदन पत्रों को नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। आप देख सकते हैं, जैसा कि जिला समाज कल्याण अधिकारी आजमगढ़ से जारी किया गया है, तो केवल यह दोस्तों आजमगढ़ के लिए नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के लिए, समस्त विद्यालयों के लिए है। तो अगर किसी की भी छात्रवृत्ति में किसी प्रकार की समस्या है तो आप लोग अपने विद्यालय से संपर्क करें और वहाँ से उस छात्रवृत्ति को सही करा लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।